Bismillahirrahmanirrahim. 1 over a plus 1 over b is equal to 1 over 41. इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे. कंडीशन क्या दी, a भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है. सबसे पहले यहाँ 1 over a plus 1 over b is equal to 1 over 41. फिर क्या करेंगे, यहाँ इनके साथ नामोनेटर डिनोमिनेटर में बी लिख देंगे, इधर मल्टीप्लाई 1 और ए इनके साथ प्लस इनके साथ नामोनेटर डिनोमिनेटर में ए लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 और बी इज इक्वल टू 1 और 41. तो यहाँ क्या करेंगे, इनके साथ तो बी, इनके साथ ए बी प्लस ए इनसे ए बी इज इक्वल टू 1 और 41. फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ए बी ए बी. तो यहाँ एक ए बी लिख देंगे, यहाँ ए प्लस बी लिख देंगे, या बी प्लस ए या ए प्लस बी दोनों सेम है. 1 और 41 इज इक्वल टू लिख देंगे. फिर इनको इसके साथ और इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 41 ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी. 41 के इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 41 ए 41 बी इज इक्वल टू ए बी. फिर इनका और इनका साइड पर लाएंगे तो यहाँ ए बी माइनस 41 ए माइनस 41 बी और यहाँ क्या करेंगे, इनके साथ प्लस में 1681 माइनस में 1681 लिख देंगे, इज इक्वल टू जीरो. फिर इन दोनों से ए को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बी माइनस 41 इनसे माइनस 41 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बी माइनस 41 इनको इस साइड पर लाएंगे 1681 बी माइनस 41. ये वाला सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे जबकि दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 41 इज इक्वल टू इनके पॉजिटिव फैक्टर लिख देंगे, एक 1681 मल्टीप्लाई 1, दूसरा 1 मल्टीप्लाई 1681 और तीसरा फैक्टर 41 मल्टीप्लाई 41. अब क्या करेंगे, इनको इनके बराबर और इनको इनके बराबर ले लेंगे, बी माइनस 41 इज इक्वल टू 1681 और इनको 1 के बराबर ए माइनस 41 इज इक्वल टू 1. क्या करेंगे, ए माइनस 41 नहीं, इनका इस साइड पर लाएंगे 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी 1722, हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह इनको इस साइड पर लाएंगे 1 के साथ ऐड करेंगे तो इनसे आ जाएगा 42. अब क्या करेंगे, इनको ले लेंगे इनके साथ और इनको इसके साथ, बी माइनस 41 इज इक्वल टू 1, ए माइनस 41 इज इक्वल टू 1681. तो यहाँ इनके साइड पर लाइन के साथ ऐड करेंगे बी इज इक्वल टू 42, इनको इस साइड पर लाएंगे इनके साथ ऐड करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1722.
अब क्या करेंगे, इनको 41 के बराबर और इनको भी 41 के बराबर ले लेंगे। बी माइनस 41 इज इक्वल टू 41। इसी तरह ए माइनस 41 इज इक्वल टू 41। फिर क्या करेंगे, माइनस 41 इनको साइड लाइन के साथ ऐड करेंगे तो इनसे आ जाएगा 82। इनको साइड के लाएंगे, इनके साथ ऐड करेंगे तो इनसे भी आ जाएगा 82। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अगर ए हमारे पास किसके बराबर है, 42 के, तो इसी तरह बी बराबर होगा 1722 के। इसी तरह अगर ए हमारे पास बराबर है 1722 के, तो बी बराबर होगा 42 के। इसी तरह अगर ए हमारे पास 82 के बराबर है, तो बी भी 82 के बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करी, हमारे पास ये आंसर आ गया।